फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग वेलकम बैक शैला आशर व्लॉग उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे तो यहाँ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी इवनिंग टू नाइट रूटीन यहाँ हम लोग इलाइजा के स्कूल से आने के बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए सो गए थे उसके बाद हम लोग उठे तो इलाइजा को स्नैक्स चाहिए थे जिसमें मैंने इलाइजा को बना के दिए फ्रेंच फ्राइज़ और साथ में उसके फ्रोज़न था नगेट और स्टैंडर्प पॉप्स वगैरह मैंने उसको बना के दिए और यहाँ इलाइजा एक मूवी देख रहा था सी बीस जो कि बहुत अच्छी मूवी है बच्चों को पसंद आएगी साथ ही साथ में हमने अपने लिए भी फ्रेंच फ्राइज़ और मैंने टी बना ली थी जो कि हमने सोचा कि हम भी आज साथ में इवनिंग में फ्रेंच फ्राइज़ ही खाएँ क्योंकि हम लोगों ने आज दोपहर में कुछ ख़ास खाया नहीं था इलायजा आया था तो हम लोग सो गए थे थोड़ी देर के लिए तो यहाँ हम लोग फ्राइज़ और टी को इंजॉय कर रहे थे साथ में गपशप कर रहे थे और इलायजा अपनी मूवी देख रहा था वो रूम में था दूसरे सिटिंग रूम में और यहाँ हम लोग डाइनिंग पे बातें कर रहे थे और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रात में क्या बनाऊँ मेरे हाथ में चोट लगी हुई है चोट नहीं बस मुझे नहीं मालूम कि मेरा हाथ में ये फिंगर कहाँ लग गई थी जिसकी वजह से इसमें सोइलिंग हो गई थी और ये बैंड भी नहीं हो रही थी तो हम लोगों ने एक जो जो मखसूस लोग होते हैं जो हाथ मतलब हाथ पैर की पट्टी करते हैं उनसे ये मैं पट्टी करवा के आई थी जो कि एक दिन के बाद फिर चेंज होनी थी उसके बाद हम मैंने सोचा है कि मैं सबसे पहले फिर इलाजा को होमवर्क कंप्लीट करवा लूँ इलाजा ने भी स्नैक्स फिनिश कर लिए थे तो इसके बाद मैं इलाइजा को होमवर्क करवाने बैठती ये इलाइजा को बहुत शौक है पेंटिंग करने के लायजा बहुत अच्छी पेंटिंग करता है तो पेंटिंग आप लोग को पसंद आई है नहीं आई है, लेकिन हर माँ बाप को अपने बच्चों की हर चीज़ पसंद ही आती है तो यहाँ पे मैं इसके होमवर्क को चेक कर रही थी कि इसको आज क्या क्या होमवर्क मिला है तो एलायजा को आज इंग्लिश का और मैथ्स का होमवर्क मिला था तो जो इसको करवाना था यहाँ पे इसको थ्री लेटर वर्ड्स के बारे में बताया गया था जो स्कूल में भी होमवर्क इसे क्लास वर्क में भी किया था और अब होमवर्क करना था ये ये थे थ्री लेटर वर्ड्स जो कि लाइजा ने आज होमवर्क में करने थे और इसके अलावा इसको मैथ्स का होमवर्क मिला था मैथ्स में इन लोगों ने एडिशन करनी थी तो इलाइजा अर्लियर थ्री में पढ़ता है और ये है इसके स्कूल का नाम है पिंगोस इंग्लिश स्कूल जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है इसको हमने फेसबुक से रिसर्च करकेजा का एडमिशन यहाँ करवाया था तो यहाँ पे इसके मैंने और ये थे इसके इवेंट नंबर और नंबर दो होमवर्क थे इसके मैथ्स के और एक होमवर्क था इसका इंग्लिश का और एक था उर्दू का जो कि वो मैंने सारे कंप्लीट करवाए और उसके बाद एज़ यूजुअली इलाइज़ा अपनी पेंटिंग के साथ लग गया क्योंकि इसको पेंटिंग करने का बहुत शौक है और ज़्यादातर ये है कि ये बस सीनरी पे फोकस करता है सीनरी बनाता है इसे पानी समंदर बनाना लाजमी होता है क्योंकि इसको पानी समंदर और ये फिशेस वगैरह बहुत पसंद है तो एक तो बच्चे एक्टिव रहते हैं इससे बच्चे अपनी एक्टिविटी में रहते हैं क्योंकि इलाजा की भी एक बहुत बुरी आदत थी मैं बुरी ही कहूँगी ये मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करता था मोबाइल में हर वक्त कार्टून देखना है इसने हर वक्त छोटा भीम और मोटू पतलू एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करना वो भी बच्चों के लिए नुकसानदेह होता है तो हम लोगों ने फिर सोचा कि हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं तो हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें इसके लिए ऐसी हम लोगों ने परचेज़ की जिससे वो इनकी तरफ अट्रैक्ट रहता है तो कार्टून देखता है ये नहीं कि कार्टून बिल्कुल नहीं देखता देखता है लेकिन अब उसने कार्टून कम कर दिए हैं तो वो एक्टिविटीज़ में लगा रहता है अपने अपने रूम में एक्टिविटी करता रहता है और पेंटिंग वगैरह करता रहता है तो इसके साथ ही फिर ये अपने बाबा के साथ ये बॉल वाला कोई गेम ये लोग खेल रहे थे मुझे नहीं पता मैं ऐसा साथ साथ खाने की तैयारी कर रही थी क्योंकि आज कुछ हल्का सा ही बनाना था एक तो मेरा हाथ ठीक नहीं है और पानी में डालने से मना किया हुआ है तो इसलिए देख रही थी कि क्या बना लूँ तो फिर सोचा मैंने कि फ्रोज़न मटर रखे हुए हैं आलू भी थे तो मैंने सोचा कि मैं आलू और मटर का पुलाव बना लेती हूँ एक तो वो बहुत इजी बन जाएगा ये लोग अपनी मस्तियों में लगे हुए थे और खेलने में लगे हुए थे इलायचा बॉल डैडा को कैच करवा रहे थे और डैडा कैच नहीं कर पा रहे थे जिससे लाइजा बहुत खुश हो रहा था कि डैडा का पॉइंट नहीं बन रहा पॉइंट मेरे बन रहे हैं तो बस ये बच्चों की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को हम लोग कैप्चर कर लें या फिर बच्चों को एक्टिविटीज़ करने दें तो वो लोग मोबाइल से और ऐसी चीज़ों से थोड़ा दूरी रहते हैं तो हम लोग भी यही कोशिश करते हैं लाइजा को हमने एक्टिविटी के लिए बहुत सारी चीज़ें ला के दी हुई हैं जिससे वो ये कुछ ना कुछ करता ही रहता है कभी खेलता है तो कभी एक्टिविटीज़ में वो हो जाता है मसरूफ़ हो जाता है तो यहाँ पे इनको मैंने देखा तो उसके बाद मैंने चावल साफ़ करना शुरू कर दिए मैंने कहा मैं चावलों को ज़रा क्लीन कर लूँ तो मैंने कहा चावल क्लीन करके तो फिर मैं खाने की तैयारी करूँगी यहाँ पे मैंने देखे आलू मटर को तकरीबन भूनने के लिए छोड़ा हुआ है आलू मटर ज़रा थोड़ा सा भून लो तो फिर मैं इसमें पानी डाल कर तो इसमें चावल डाल दूँगी यहाँ ये देखिए पुलाव तैयार हो चुका है तो पुलाव तैयार करने के बाद हमने खाना खाया खाना खाने के बाद मैंने सोच रही थी कि मैं इलाजा का यूनिफॉर्म रेडी कर लूँ उसके यूनिफॉर्म रात में ही रेडी कर लेती हूँ क्योंकि सुबह एक तो इलाजा उठने में बहुत तंग करता है तो सारी तैयारी रात में ही हम लोग करके रख लेते हैं इसका यूनिफॉर्म प्रेस कर लेते हैं इसके बैग को अरेंज कर लेते हैं शूज़ वगैरह सब चीज़ें एकोरेट करके हम लोग रात में ही सब कुछ अरेंज करके रख देते हैं ताकि सुबह कोई प्रॉब्लम ना हो सुबह फिर बस इलाजा को उठाना होता है तैयार करना होता है और इसके लंच की तैयारी करनी होती है तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे यूनिफॉर्म रेडी कर लिया है और इलाजा को मैं दूसरी पैंट पहना रही हूँ सुबह क्योंकि मेरे हाथ में चोट लगी इसलिए मैंने इसकी पैंट वॉश नहीं की थी फिर बैग अरेंज करूँगी बैग अरेंज करने के बाद हम लोग सो जाएंगे तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा मेरी इवनिंग रूटीन आप लोग को कैसी लगी और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ तो ठीक है आप लोग को सब कुछ अच्छा लगा होगा मुझे ज़रूर बताइएगा तो अभी हमने मैंने बैग को पैक पैक करके रख दिया है इसके बाद मैं थोड़ा सा इलाजा को डांटूंगी ताकि वो सो जाए वो सोने में भी थोड़ा तंग करता है तो इलाइजा को सुलाने के बाद हम लोग एक कप टी का ज़रूर पीते हैं और टी पी के फिर हम लोग भी सो जाएंगे ओके फिर हम लोग अपनी मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओके गुड बाय अल्लाह हाफिज़